बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिर इस्माइल वीकली रैपअप के साथ हाजिर है। इस वीक की क्लोजिंग माशाल्लाह अच्छी क्लोजिंग हुई है, बुलिश कैंडल के साथ। और वॉल्यूम भी देखें तो एज कम्पेयर टू लास्ट वीक थोड़े से कम है, लेकिन अच्छे हैं। 1.18 बिलियन, अगर आप राउंड फिगर में ले लें तो 1.8 बिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। और जो 10,000 या 10 ट्रिलियन रुपीज या 10,000 बिलियन रुपीज का जो बेंचमार्क था वो उसको मेंटेन किया हुआ है। इस वक्त जो है इस वीक में अगर हम देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,134 बिलियन पर है, या हम कह रहे थे 10.13 ट्रिलियन रुपीज। तो एक अच्छी साइन है मार्केट के लिए फॉर फर्दर अपसाइड। ये तो मैंने आपको इसका फंडामेंटल बता दिया कि ये एक कोर जो इंडिकेटर है मेरा, जो मतलब मेन इंडिकेटर है, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो इसके फंडामेंटल को मजबूत करता है और मार्केट अपसाइड पे मूवमेंट दिखाती है। तो इस हफ्ते में भी, इस वीक में भी देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें 256 बिलियन रुपीस का इंक्रीज देखा है इस वीक में, ये वीक में जो है ये वाली जो कैंडल हुई है। अच्छा, टेक्निकली थोड़ा सा हम आ जाते हैं टेक्निकल की तरफ। अच्छा, टेक्निकली मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था, मैं थोड़ा सा बता दूं। अच्छा, सबसे पहले तो बता दूं कि अभी आगे आगे रोल वीक, रोल ओवर वीक शुरू होने वाला है मंडे से, 20 मई से रोल ओवर वीक शुरू हो जाएगा। तो ऑब्वियसली सेलिंग आएगी मई के कॉन्ट्रैक्ट में, फिर जाहिर सी बात है जून में स्विचिंग होगी, या सिर्फ सेलिंग ही रहेगी, या कुछ सेटलमेंट की जो रिपोर्ट आएगी उससे पता चलेगा। जो आई थिंक T+2 है तो ट्यूजडे को आपको पता चलेगा कि कितना सेटल हुआ है मई का कॉन्ट्रैक्ट या स्विच हुआ है इनटू जून कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी तो फिलहाल वैसे तो देखें हम फंडामेंटली अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और टेक्निकली भी मार्केट अपसाइड मूवमेंट दिखा रही है। टेक्निकली मैंने आप, अच्छा अब फिर दोबारा टेक्निकल की तरफ, लास्ट वीक जो मैंने आपको बताया था, शेयर किया था आपके साथ, यहाँ पे डाइवर्जेंस आ रहा था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ये अपसाइड एक लाइन जा रही है और ये डाउन साइड आ रही है, लेकिन उसकी वजह, इसको जो डाउन साइड ना आने की वजह यही थी कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि फॉरेन की इन्वेस्टमेंट आ रही है। पीपीलीपी में शेयर करता रहता हूँ ग्रुप में और सोशल मीडिया में, तो उससे पता चलता है कि जो भी म्यूचुअल फंड है, इंडिविजुअल है, इंश्योरेंस है, बैंक्स हैं, जो सेलिंग करती हैं वो फॉरेन जो है पीपीलीपी में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है स्पेशली जो है फॉरेन कॉर्पोरेट उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो देखें ये कब तक ये सिलसिला जारी रहता हो सकता है और आगे मजीद जारी रहे कहाँ तक, अब इसको हम टेक्निकली इसको ऑब्जर्व करेंगे और डे ऑन डे बेसिस पे आप जो है वो कर सकते हैं इसको। मैंने पहले ही बताया था वो PSS की साइट पे जाके आप इसको सर्च कर सकते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन को, वो आपको उसमें मिल जाएगा, उसका डाटा जो है अदर डाउनलोड में उसमें मिल जाएगा आपको। तो अभी इस वक्त देखें टेक्निकली यहाँ पे CPR, सबसे पहले हम CPR देखेंगे। CPR का जो अपर बैंड है वो 76,100 इसी के अराउंड है, और मार्केट क्लोज हुई है 75,342 के अराउंड। तो एक तो ये एक लेवल है, इसको मेंटेन करना जरूरी है फॉर फर्दर अपसाइड। और इसके बाद में मिडिल बैंड है, ये जाहिर सी बात है अगर मार्केट करेक्शन लेती है तो ये तकरीबन 74,600, 74,700, 500, ये प्लस माइनस 100 200, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं ये मिडिल बैंड में। इसी तरह लोअर बैंड है 73,300, 73,200, 73,400, ये इसको मेंटेन करना चाहिए। तो ये यहाँ पे जिसे हम कहते हैं ना करेक्शन ड्यू रहती है, तो करेक्शन एक हेल्दी साइन है। मार्केट डिस्काउंटेड होती है तो फिर वहां पे फिर हम बायर इसमें देखते हैं कि अट्रैक्ट हो रहे हैं मार्केट की तरफ। तो अभी हम देखें फिलहाल अपसाइड पे जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस जरा आ रहा है, और डाउन साइड पे अगर हम लाइन चार्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रीच होता है 73,300 का, तो ये लाइन चार्ट के हिसाब से मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये वाला एरिया एक अच्छा सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इसको मैं ग्रीन, अच्छा मैं आप कैंडल की तरफ आ जाता हूँ, देखें ये वाले, इसी की जो नेक लाइन सपोर्ट है या इसकी जो समझे ओपनिंग थी, क्लोजिंग थी इस कैंडल की, यहाँ पे ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया 71,700 ये बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा मैं क्यों बनता हुआ नजर आ रहा है, मैं आपको यहाँ से डे ऑन डे बेसिस पे समझा देता हूँ, डेली पे। वो इस वजह से कि यहाँ पे ये गैप ओपनिंग हुई थी, इसको मैं चले यहाँ, ये इसको गैप ओपनिंग
इसी की नेकलाइन दे देता हूँ, ठीक है, ये वाला, यहाँ से ये गैप ओपनिंग शुरू हुई थी और 71,800 जो है यहाँ पे देखें, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्ट किया, फिर ये ब्रेकआउट हुआ, फिर वापस नीचे डाउन साइड पे आई मार्केट, ये यहाँ पे इस साइड पे उसने ये फिर सपोर्ट ली, फिर यहाँ से मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिखाई है। तो चलिए इसको भी मैं इस तरह से आपको, मैंने याद है आपको वीकली का मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे, ये इसकी अहमियत जो है, ये 71,000, 72,000, 71,800, 72,000, वो इसकी वजह से मैं यहाँ पे आपको फिबोनाची के हिसाब से दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है ना। ये इसका समझे हाईएस्ट लेवल था जो क्लोजिंग थी, ठीक है, हम ये वीक नहीं लेंगे, हम फिर इसके बाद ये यहाँ पे इसकी जो इसकी क्लोजिंग है ये लेंगे, ये वाली कैंडल की क्लोजिंग और ये वाली कैंडल की ओपनिंग, ये हमने ले ली यहाँ से। मार्केट ने वैसे तो यहाँ पे ये हाई किया था 67,124 का, लेकिन हम ये लेंगे क्योंकि यहाँ पे वीक बनी थी, क्लोजिंग इधर ही आई थी 66,200, तो 66,200 ही लेंगे, और ये 66,200 का लेवल जो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है इधर, वीक ऑन वीक बेसिस पे अगर मार्केट करेक्ट करती है अपने आपको, जिस तरह ये मैंने बोला ना, ये गैप है, ये गैप एक और ये भी है फिल करते हुए नीचे आती है, तो वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो है यहाँ पे, ये यहाँ इस लेवल पे बनता हुआ नजर आ रहा है 76,200 का। लेकिन अभी हम इसको चीज को नहीं देखेंगे, ये जब हम एनालाइज कर रहे हैं, ड्यूरिंग एनालाइज से चीजें सामने आती हैं, तो उसको मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, ताकि ये हमारे रिकॉर्ड में रहे, कभी हम देखें तो ठीक है, हम कहेंगे अपने यहाँ पे इसको देखा था इस लेवल को कि ये रिटेस्ट हो सकता है। एक ये गैप है, ये मैं डाउन साइड का बता रहा हूँ, क्योंकि अगर डाउन साइड मार्केट आती है, सीपीआर को देखें, सीपीआर को अगर क्रॉस करती है, ब्रीच करती है लोअर बैंड जो है, और उसको मेंटेन करती है, जैसे ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में, तो फिर ये मार्केट डाउन साइड पे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे फिबोनाची के हिसाब से हमने, मैंने आपको बताया था कि ये जो इसका रेशियो है, चलें इसी की तरफ आ जाते हैं, इसके रेशियो की तरफ, ये वाला 70,300, ठीक है, ये 70,300 गोल्डन रेशियो था 1.618, ठीक है ना। इसके बाद अगर मार्केट ऊपर परफॉर्म करती है तो फिर ये 77,000 का लेवल, ठीक है, अब हम इसको मार्क कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एज ए स्ट्रॉन्ग। अब इसके ऊपर वीक बन सकती है, लेकिन इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जब मैं जो लेवल आपको सीपीआर उसके बता रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है इसके नीचे वीक बनती है, इसके ऊपर भी वीक बनती है, लेकिन वो लेवल मेंटेन होना चाहिए, ठीक है ना, ये मेंटेन होना चाहिए, ठीक है ना। इसके नीचे भी आ सकता है, यहाँ पे वीक बन सकती है, यहाँ पे क्लोजिंग आ जाए, फिर इसके ऊपर एक कैंडल बन जाए, तो ये फिर मजीद अपसाइड कहाँ जा सकता है, फिर इसका अगला लेवल होगा 3.618, 84,000 के अराउंड, ये मैंने पहले ही बताया था आपको, ये वाला 84,000 के अराउंड, ये फिर हम, ये मैं वीक ऑन वीक बेसिस पे बात कर रहा हूँ, डे ऑन डे बेसिस पे फिर अलग एनालिसिस होगा इसका, बीच में और भी आएंगे आपके, 80,000 आएगा और भी, जिस तरह है बीच में एक लेवल आएगा, तो वो आपको पता चलते जाएंगे कौन कौन से लेवल आएंगे, फिबोनाची को प्लॉट करके डे ऑन डे बेसिस पे भी दे सकते हैं। वैसे हम यहाँ डे ऑन डे बेसिस पे देखें तो अभी इस पर कोई, यहाँ पे एक आया है देखे नजर, यहाँ पे आप खुद अप्लाई करके देख सकते हैं ये वाला लेवल जो है, ठीक है ना। हम इसकी जो है क्लोजिंग लेंगे, इस बेरिश कैंडल जो है, फिर इसकी हम ये इसकी भी क्लोजिंग लेंगे, ये इसी बेरिश कैंडल की, जैसे हमने यहाँ पे वीकली पे बुलिश कैंडल की वो जो है क्लोजिंग ली थी, यहाँ हम ओपनिंग लेंगे। इसको आप प्लॉट करके फिर आप साइड पे आप डे ऑन डे बेसिस पे भी देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, तीसरा जो है मैंने आपको बताया था रेलवे लाइन, लास्ट वीक में आपको बताया था रेलवे लाइन क्या है, वो रेलवे लाइन वो अक्सर पूछते हैं आप, जिन्होंने देखी नहीं वीडियो आपसे पूछते हैं रेलवे लाइन के, तो मैंने आपको बता दूं, रेलवे लाइन वैसे तो ये MA 20 MA 5 है, पीरियड 5 है, और लॉन्ग लॉन्गर टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा काम करता है। लॉन्गर टाइम फ्रेम मीन्स डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है ना। अब ये 200 मैंने ये प्लॉट किया हुआ था, ठीक है ना, इसको मैं अब ये यहाँ पे इसको 5 कर देता हूँ, इसका जो लेंथ है इसकी पीरियड जो है 5 पीरियड, देखिए इसी के मुताबिक चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा उसने एक दो दिन जो है कंसेक्यूटिव डे जो है इसके नीचे परफॉर्म किया, लेकिन थर्ड डे जो इसको ब्रीच किया, फिर आगे मार्केट परफॉर्म करती रही डे। इसी तरह हम आवली पे भी देखें तो आवली थोड़ा सा उसको मैं एक्सपेंड करके बता दूं, ठीक है ना, ये इसी के बीच में आई, ऊपर नीचे होती रही मार्केट, फिर इसको इसके रिस्पेक्टिवली अभी तक ये चल रही है। अच्छा, वीकली पे भी नजर डाल लेते हैं, वीकली भी देखें, वीक डे मैंने कहा था हायर टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा काम करता है MA 5, देखें हायर टाइम फ्रेम में ये देखें, ये इसको अभी तक ये लाइन को ब्रीच नहीं किया है, MA 5 को अभी तक इसने ब्रीच नहीं किया है। इसी को रीटेस्ट करते हुए देखें, यहाँ पे भी विक बनी, इसी पे ये बेरिश कैंडल की विक बनी, फिर मार्केट इसी को परफॉर्म, इसी के हिसाब से परफॉर्म करती हुई
नजर आ रही है कि ऊपर अपसाइड पे जा रही है। अच्छा इसी तरह यहाँ पर भी देखें, इसके थोड़ी सी सिंक्रोनाइजेशन नजर आ रही है। जैसे अगर हम वीकली पे MA5 देखें तो 72,800 का लेवल नजर आ रहा है, ठीक है। इधर मैंने आपको 73,300 बताया था, और साथ में बताया था माइनस प्लस माइनस 200, 300, 100 ये हो सकता है। तो देखें ये सिंक्रोनाइजेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे नजर आ रही है इस तरफ, तो ये अच्छा जो इसको रिटेस्ट कर सकता है आने वाले दिनों में, ये लेवल जो है 72,800 का। जिस तरह इसको ब्रीच किया तो लोग जो है पैनिक में आ जाते हैं, तो यहाँ पे कहीं विक बन सकती है। यहाँ पे भी जो है हम सपोर्ट देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैं आपको एक बना देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो 72,800 भी एक अच्छा सपोर्ट बनता नजर आ रहा है। अगर इसके आता है नीचे 73,300, 73,400, तो ये 72,400 ये यहाँ पे ये इसको रिटेस्ट, यहाँ विक भी बन सकती है। देखिए विक भी अगर आप वीकली पे देखें, मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम इन करके बता दूं, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ ताकि ये आपको आसानी हो समझने में कि ये रेजिस्टेंस लेवल है 77,200, 300, 400, ये प्लस माइनस 200, 300 हो सकता है। देखें यहाँ पे एक विक बनी थी यहाँ पे इस तरफ, ठीक है ना, इसको ब्रीच किया था और विक बनी थी, अब जो क्लोजिंग जो है उसके ऊपर आई थी MA5 के ऊपर। MA5 के ऊपर देखें, MA5 के ऊपर क्लोजिंग आ रही है तो आप स्टॉप लॉस के साथ बिला झिझक इसमें काम कर सकते हैं 100 इंडेक्स आइटम पे। ये मैं जैसे आपको केसी 100 इंडेक्स का बता रहा हूँ, इनमें आप काम कर सकते हैं। अपर साइड पे मैंने आपको बता दिया रेजिस्टेंस लेवल 77,100, फिर उसके बाद बीच में 80,000 का लेवल आ सकता है, और जिस तरह मैंने आपको बताया था ये वाला 84,000 का लेवल भी अकॉर्डिंग टू फिबोनाची, ठीक है ना, 83,900 है, आप 84,000 समझ लें, तो इसको भी ये आने वाले दिनों में रिटेस्ट कर सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंगली जो है आप अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान करें और देखें। जाहिर सी बात है फिपीलीपी का भी हो रहा है, मैंने आपको बताया हमेशा आप मार्केट कैपिटलाइजेशन पे जो है वो नजर रखा करें। मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है, मार्केट नीचे आ रही है, कोई मसला नहीं है, आप नीचे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है अच्छा खासा माशाल्लाह। अभी हमारा तो ये 10,000 बिलियन या 10 ट्रिलियन रुपीस मेंटेन किया हुआ है। एक चीज मैं थोड़ा और वजाहत कर दूं कि सोशल मीडिया पे मुझे भी कमेंट्स आते हैं, फेसबुक वगैरह में भी, कि भाई ये जो टेक्निकल वाले हजरात हैं वो जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, जब मार्केट नीचे आ रही है तो फिर नीचे नीचे की बातें करते हैं। ऑब्वियसली मैंने पहले भी एक रिकॉर्डिंग शेयर की थी, उसमें मैंने बताया था कि समझे नॉर्मल फिनोमेना है कि जब आप ग्राउंड फ्लोर से आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जाते हैं तो आप क्या बोलेंगे, भाई भी ग्राउंड फ्लोर है, अगला फ्लोर कौन सा है, आप ये थोड़ी बोलेंगे फिफ्थ फ्लोर है, आप अगला फ्लोर बोलेंगे फर्स्ट फ्लोर आएगा, ठीक है ना। इसी तरह हम आपको ये फ्लोर बता रहे होते हैं, ठीक है ना। मैं आपको देहाती जबान में समझा दूं तो आपकी शायद टेक्निकल सामान समझ में नहीं आती हो जिनके, तो उनको मैं देहाती जबान में समझा देता हूँ कि ये फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर, ये फ्लोर आते जाते हैं जब आप ऊपर चढ़ते जाते हैं। इसी तरह जब आप नीचे आते हैं, जितने भी आप चले गए 20 तो चले गए मंजिल पे, 13वीं मंजिल पे चले गए, 5वीं मंजिल पे चले गए, फिर आपने जब नीचे आना होता है, जब नीचे का सफर शुरू हो जाता है, तो फिर हम बता रहे होते हैं भाई अभी अभी जो है फिफ्थ फ्लोर नजर आ रहा है, फिर उसके बाद जो है फोर्थ फ्लोर आएगा, फिर थर्ड फ्लोर। तो इस तरह हम इसको बता, जिस तरह मैंने आपको ये बताया ना, लेकिन मैंने एकदम से ये तो नहीं बता दिया कि भाई ये क्रॉस करेगा तो 66,000 आ जाएगा, 55,000 आ जाएगा, ऐसा तो नहीं मैंने कहा ना, मैंने आपको लेवल्स बताते रहा तो ताकि इसमें आपको आसानी होती है स्टॉप लॉस ट्रेल करने में। और लोअर साइड पे हमेशा रिस्क लिया करें, RSI देख लिया करें, चले RSI से याद है, आज अभी भी हम इसका RSI देख लेते हैं तो 77.95, ये तकरीबन सबने अभी भी ओवरबॉट जोन में है। जब यहाँ डाइवर्जेंस भी आ रहा है तो रोल ओवर वीक भी है, और अभी समझे अनाउंसमेंट तकरीबन अब जो जिनके फर्स्ट क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर जो भी था जाने वाला था वो खत्म हो गया है, अब फाइनल रिजल्ट आएंगे और हाफ ईयरली आएंगे, तो वो जून के एंड में आते हैं, तो मे भी ये जून में थोड़ी मार्केट अपने आप को करेक्ट करे, और आगे बजट भी है तो हो सकता है कि जून के महीने में थोड़ा मार्केट करेक्ट करे, क्योंकि करेक्शन ड्यू है, ये मार्केट बहुत ओवरबॉट हो गई है। तो जो आइटम जो स्टॉक ओवरबॉट जोन में है उनका आप आराम से देख लें, उन पे बहुत केयरफुल होकर काम करें। बीच में मैंने आपको बताया था वीडियो में भी कि ऑटो सेक्टर काफी ओवरबॉट हुआ हुआ है, तो उसमें आपने देखा कि करेक्शन आई और नीचे की तरफ हमने इसमें देखा कि मैंने मना किया था हायर साइड पे आप बाय मत कीजिएगा ऑटो सेक्टर को। तो इसी तरह अभी जो लोअर साइड पे उनको आप एक्यूमुलेट करें, डाउन साइड पे थोड़ा थोड़ा जो अच्छे डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक है उनको आप एक्यूमुलेट करें, 25-25% आप लेते रहे सपोर्ट लेवल पे, आपको डिविडेंड वगैरह भी आप इंजॉय कर सकते हैं उसका, और आपको जो है कैपिटल गेन भी मिल सकता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।